दोस्तों हमारे टी वी एस विक्टर VS3 गाड़ी है, इस गाड़ी में जो कि है सर्विस करने वाले हैं। और इस गाड़ी का जो कि है सर्विस करते समय जो कि देख सकते हैं, इस गाड़ी का मोबिल बाहर की है तो 50 मिनट मोबिल बचा हुआ है, जो कि हेलमेट खोल के बाहर कर दिए हैं। मोबिल इस गाड़ी में भी नहीं था। इस गाड़ी का जो कि इंजन बिल्कुल अच्छी तरीके से जो कि है ख़राब हो चुका है। रिंग पिस्टन चेक करना पड़ेगा, वाल भी चेंज करना पड़ेगा, तो हमें इस वाल को रिंग पिस्टन को बाहर करके चेक करना पड़ेगा। इस गाड़ी देखिए हमने बगल साइड में पैनल रख दिया है, तो इस गाड़ी का देख सकते हैं हम सिलेंसर आते जो कि मोबिल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आयल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो सिलेंसर ख़राब देख सकते हैं। यहाँ पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, पूरा मोबिल बाहर आ रहा है सिलेंसर रास्ते। इस गाड़ी का जो कि है हाफ इंजन पहले खोल के चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अगर क्रेंक में चाल लाता है तो फुल इंजन भी खोलना पड़ सकता है। इस गाड़ी को हम टंकी को बाहर कर लेते हैं। जो कि ये कैप है ऊपर का, इसको हम खोल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं कैप को, बाहर कर उसके बाद दिखाते हैं। हाँ भाई, दोनों तरफ 8 नंबर से खोल लेना है इसको। ये दोनों तरफ का ये दोनों खुल चुका है, अब उस साइड को खोलना है हमको, उस साइड भी खोल लेते हैं। ये सिलेंडर किट जो सिलेंडर वाला रहता है ये खोल लेते हैं। चेक कर लिया है, चेक करना जरूरी होता है, जो कि इसको हम खोल रहे हैं कैप को। अब इसमें जो कि यह बोल्ट है ये आपको 12 नंबर से, ये दोनों साइड खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। दो टॉप वाला जो पहला होता है इसको हम पहले खटका लेते हैं लॉक को, कैबिन ये टॉप वाला चक्कर जो इस पार्ट के उसको बाहर कर लेते हैं, बाहर करके इसको बांध लेते हैं इसमें इंजन में। उसके बाद जो कि है इसको पूरा अच्छे तरीके से बाहर करके खोलते हैं। तो पहले हम इसको हम खोल लेते हैं, 10 नंबर का जो बोल्ट है इसको हम खोल लेते हैं। ये इसको बाहर कर लेते हैं। इसके बाद जो कि एडजस्टर और एडजस्टर को भी 8 नंबर से खोल के बाहर कर लेते हैं। उसके बाद इस बोल्ट को, मेन बोल्ट को जो होता है इसको खोल के उसके बाद सिलेंडर को और हेड को बाहर करते हैं, एडजस्टर को बाहर कर लेते हैं खोल के। पहले इंजन में कोई भी दिक्कत हो तो पहले आप मोबिल चेक कर लीजिए, मोबिल कम रहता है तो रिंग पिस्टन वाल को पहले चेक करना ज़रूरी होता है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो क्लच प्लेट से भी आवाज़ साउंड आ रहा था, घर घर का आवाज़ आ रहा था, उसको भी अभी सॉल्व करना है। पहले हेड को देखते हैं, पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्लच हाउसिंग का साइड को खोलेंगे, बाहर करेंगे अच्छे तरीके से। ये एडजस्टर बाहर हो चुका है, ये एडजस्टर जो कि यह सोल्डिंग कराया गया है देख सकते हैं, तो ये एडजस्टर ख़राब हो चुका है, ये एडजस्टर को चेंज करना पड़ेगा, नया लगाएंगे तभी काम चलेगा, पुराना से काम नहीं चलने वाला है। अब इस मेन बोल्ट को खोल लेते हैं, मेन बोल्ट को बाहर करते हैं, और उसके बाद साइड में यहाँ पे थोटा वाड़ी का जो है कार्बोरेटर है, यहाँ पे इसको भी बाहर कर लेते हैं। चाहे तो हम यहाँ से खोल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, इसको हम तो हम यहाँ से नहीं खोल रहे हैं, यहाँ से खोल रहे हैं।
तो ये कार्बोरेटर वाला जो सिस्टम है इसको खोल दे रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं, उसके बाद जो कि है मेन बोल्ट को खोला जाएगा। तो ये भी खुल चुका है, बस हो गया है, अब इसको हम बाहर कर लेते हैं, बाहर हो जाएगा आराम से। कार्बोरेटर को हम बाहर कर लिए हैं, जो कि यहाँ पे जो हेड में लगा रहता है, और फिल्टर में तो एसी एयर फिल्टर में जो कि बाहर कर लिए हैं, कार्बोरेटर को साइड में रख लिए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो कि इसको मेन बोल्ट को खोलते हैं, मेन बोल्ट को जो यहाँ पे चारों बोल्ट को खोलते हैं, जो कि चारों बोल्ट को खोल लेते हैं इसको भी। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है, खोलने में थोड़ा दिक्कत करता है, खुल रहा है जैसा, काफ़ी ज़्यादा टाइट है। जैसे इसको खोल लेंगे उसके बाद जो कि है ये नीचे से जो बोल्ट है देख सकते हैं 8 नंबर, यहाँ पे यहाँ दोनों बोल्ट खोलते हैं, जैसे उसके बाद ये जो कि है हेड बाहर हो जाएगा, तो सिलेंडर को बाहर करने में आसानी हो जाता है। तो इसको हम तब तक खोल लेते हैं, पूरा इसको भी खोल लिया है। इसके ऊपर वाशर आता है, वाशर को देखिए ध्यान से, और नट को भी अंदर ना गिरे, अंदर गिरने से फिर आपकी दिक्कत थोड़ा बहुत हो जाता है। तो हम इसको बाहर कर लिए, अब इसको खोल लेते हैं, पूरे सारे बोल्ट को खोल लेते हैं, खोल के दिखाते हैं। अभी दोनों खुल चुका है, बगल साइड में जाते हैं, उस साइड खोल लेते हैं। ये भी सब खिल गया है, बाहर कर लिए हैं, और बगल साइड से जाकर खोल लेते हैं। देख सकते हैं ये 3 बोल्ट होगा, 1 बोल्ट और आना चाहिए, 4 बोल्ट, 4 वाशर, 1 वाशर जो कि इसके अंदर जो कि फंस गया है, ये 3 वाशर हो गया, 4 बोल्ट ऊपर वाला जो मेन हो गया है, ये मेन बोल्ट हो गया है, 1 वाशर इसमें फंस गया है, जो कि इसके अंदर खोलना पड़ेगा, तभी बाहर निकालते हैं, इसके अंदर देखते हैं गिर गया है। तो उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर है, इसको भी खोल लेते हैं। कुछ और काम इसमें है, ज़्यादा काम नहीं है इसमें बाकी। ये इंजन समझ जाइए हाफ इंजन खुल चुका है, एकदम आसान तरीके से हाफ इंजन खुलने के लिए आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं कितना आसान तरीके से हाफ इंजन खुल रहा है। ये इंजन जो है खुल चुका है, अब इसको हम जैसे प्रेस करेंगे ऊपर आते तो ये बाहर निकल जाएगा। तो प्रेस कर रहे हैं यहाँ से ठोक दिए, एक बार बाहर हो गया है। अब यहाँ पर टाइपिंग चेन को यहाँ संभालना पड़ेगा, टाइपिंग चेयर के आप खोल लेते हैं, खोल के इसके बाद इसको हम संभालते हैं। इसमें टाइपिंग चेन भी जो कि दूसरा डालने वाले हैं, इसमें टाइपिंग चेन जो कि खराब हो चुका है, टाइपिंग चेन भी दूसरा पड़ेगा। ये इंजन अकेले ही बनाने के लिए तो आसान तरीके से बता रहे हैं, अकेले ही जान से काम कर रहे हैं, आपको भी आसानी का है बाहर निकालने में। ये टाइपिंग चेन को नीचे रख निकाल के ऐसे इसको फंसा लेना है, यहाँ पे ये टाइपिंग चेन यहाँ पर रख लिया है, अब इसको आसान से आराम से आके अपने निकाल दे रहे हैं बाहर। ये बोल्ट आपको साइड रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है, फंस रहा है, कहाँ से निकाल लेंगे। दिक्कत टूट रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन निकल जाएगा। ये है जो कि बाहर हो चुका है, ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, वो फ्लेक्स ऑन है, आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं बड़ा सा जो वाल है, इसमें लीकेज है, जो गैपिंग है देख सकते हैं,
गैपिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इतना गैपिंग नहीं रहना चाहिए, इसमें भी गैपिंग आ चुका है। तो इस वाल को पूरा स्ट्रीम कराना पड़ेगा, वाल को चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, पिस्टन को हम बाहर करते हैं, पिस्टन को बाहर करके इसके हालात देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। ये पिस्टन है जो कि देख सकते हैं, इसको हम सफाई पहले क्लीन करते हैं, क्लीन करके इसके अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं। इस पैकिंग को हम बाहर कर लेते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पैकिंग है, इस पैकिंग को हम बाहर निकाल लेते हैं तुरंत तरीके से प्रेस करके। ये जो कि निकल चुका है, इसमें चाहे तो आप फेस पैक डाल के भी रख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे फेस पैक डाल के रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम खोल लेते हैं आठ नंबर का, जो कि पिस्टन बाहर करने के लिए। तो पिस्टन और सिलेंडर को दोनों बाहर कर रहे हैं, और हेड को तो बाहर हो चुका है जिसमें वाल आता है, इसको भी हम बाहर कर लेते हैं। ये जो कटिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग जो है यहाँ की पिस्टन के साइड में आयल पंप जो आता है नहीं आएगा, आयल नहीं चढ़ता है, तो समझ जाइए कटिंग पिस्टन कट जाएगी, इस बात को आपको ध्यान जरूर रखिएगा, इसको भी चेक करना ज़रूरी होता है। इसको हम बाहर कर लिए हैं, ये साइड में दोनों बोल्ट है इसको भी बाहर कर लिए हैं। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं, आसान तरीके से ये बाहर हो रहा है, देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बाहर करने में आसान तरीके से इसको बाहर कर सकते हैं आप। इसको चाहें तो आप पहले निकाल भी सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं। तो ये पिस्टन को देख सकते हैं, हेड को बाहर निकाल रहे हैं, ये बाहर उठता है, ये पिस्टन का हालात देख सकते हैं। पिस्टन कुछ कटा हुआ नहीं है, लेकिन पिस्टन को भी चेंज करने का हल्का हल्का कुछ दिखा रही है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। क्रैंक में देख सकते हैं, क्रैंक में चूँकि चाल नहीं है, क्रैंक सही है। ये पिस्टन को बाहर करते हैं, पिस्टन बाहर करके उसके बाद इसको दे देते हैं भरने के लिए। तो पिस्टन को बाहर करते समय जो कि यहाँ पे ऐसे कपा लगा कि इस लाख को निकालिएगा, नहीं तो लाख इसके अंदर गिर जाता है, तो कुछ कटने में दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम निकाल लेते हैं लाख को, क्योंकि लाख छटक गया है, इसको अब हम बाहर कर लेते हैं पिस्टन को। पिस्टन देख सकते हैं कई नंबर का है, वो ये जो कि पिस्टन दे रहे हैं भोर के सिलेंडर के सिलेंडर में, ये वाल को बाहर करने के लिए इसको हम बाहर कर लेते हैं। 12 नंबर जो कि बोल्ट है इसको हम खोल लेते हैं। सेट रहता है इसमें, ये सेट रहता है, इसको जैसे निकालेंगे वैसे ये निकल जाएगा। तो इसको हम निकालते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, अगर नहीं निकल रहा तो यहाँ पिलास लगा प्रेस कर सकते हैं बाहर तरफ से, तो पिलास लगा के निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम पिलास पकड़ लिए हैं, उसको ऐसे प्रेस करते हैं, आसान तरीका जो कि निकल जाएगा, टाइट रहता है तो। ये भी निकल गया, इसको भी निकाल लेते हैं। ये आसान तरीका से भी निकल गया है, अब इसको चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लोग देख सकते हैं इसको, ये चिड़िया निकल गया, इसको भी निकाल लिए। ये वाला जो कि सिंगल वाला जो है, किधर आपको डबल वाला, किधर आपको से अच्छे तरीके से पता चला ये वाला डबल है, जो डबल डबल यहाँ पर रहेगा, इधर यहाँ पर सिंगल यहाँ पर रहेगा। ये छोटा छोटा जो लाख रहता है वाल पे ऊपर, जो कि इसको लगाए रखता है, फंसाए रखता है, तो इसको हम निकालने का आसान तरीका आपको बता रहे हैं।
यहाँ पे आप 16 नंबर का एक गोट ले लीजिएगा, उसका इसके ऊपर रख लीजिएगा, ऐसे ऊपर रख के उसका धीरे से आप प्रेस करेंगे तो हम बाहर निकल जाएगा, ऐसे प्रेस कर देंगे तो हम बाहर निकल जाएगा, देख सकते हैं बाहर निकल गया पूरा, ये किसी में है तो इसको भी ऐसे प्रेस कर देंगे एक बार तो ये बाहर निकल गया। इसमें देख सकते हैं क्या कटा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाख है आपका, 3 है 6 लाख रहना चाहिए, 3 2 5 है किसी में है फंसा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ से देख सकते हैं इसमें एक बूस रहता है पतला पतला सा, दोनों साइड रहता है देख सकते हैं, इन साइड तीनों में है, इसको निकालना मत भूलिएगा, इसको खो जाइएगा नहीं, इसको रखिएगा ध्यान से, और इसके ऊपर वाल स्ट्रिप लगता है, इसको भी लगाना मत भूलिएगा। इसमें फुल इंजन पूरा सेटअप हो चुका है अच्छी तरीके से, देख सकते हैं इस गाड़ी का जो कि टायर मिला लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मार्का यहाँ पे है, इसके वाला मार्का यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मार्का हुआ है, इस मार्क की सिदाई पर आ गया, ये सिदाई बराबर रहना चाहिए, यहाँ जो छोटा छोटा मार्क है ये सिदाई बनाना चाहिए, तो ये टाप मिला चुके हैं अच्छी तरीके से, इंजन भी सेटअप हो चुका है देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी टंकी वगैरह लेगार्ड वगैरह सब सेटअप करना है, टंकी बगल साइड में रखा गया है, इसको भी सेटअप कर लेते हैं, उस साइड लेगार्ड है उसको भी सेटअप कर लेते हैं, मैगनेट जो है इसको मैगनेट कवर भी लगा लेते हैं, चैम्बर लगा लेते हैं, जितने भी बोल्ट इसको भी टाइट कर लेते हैं, टाइट करके उसके बाद कंप्लीट करते हैं। एडजस्टर जो कि है लगा दिए हैं, एडजस्टर भी यहाँ पे लगाना, नया एडजस्टर और लाइट टाइपिंग चेन भी नया डाल दिया है इसमें देख सकते हैं, इसको हम सब कंप्लीट करके गाड़ी को चला के देखते हैं गाड़ी अच्छी तरीके से वॉश कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है कम्प्लीट इस समय, जो कि इंजन हाफ इंजन जो कि सब कम्प्लीट कर लिए हैं जो कि देख सकते हैं, और जितने भी टंकी वगैरह था लेगार्ड वगैरह सब लगा लिया सेटअप कर लिए हैं, अगर सिर्फ सिलेंसर वगैरह नहीं लगाया, सिलेंसर बगल साइड में है जो कि रखा गया है, अगर सिलेंसर थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा पका लेते हैं इंजन को उसके बाद लगाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो चुका है, बगल साइड में गाड़ी स्टार्ट कर चेक कर लेते हैं आप, तो चाबी ऑन कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमको ट्यूनिंग करना है, थोड़ा ट्यूनिंग कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, सेट करके सेटअप करके उसके बाद जितना भी टंकी वगैरह सिलेंसर सब सेटअप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद गाड़ी चला चेक करने वाले हैं गाड़ी अच्छी तरीके से चल रही है, आवाज़ की तरह बैटर है कि नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, गाड़ी को अच्छी तरीके से जो कि चला चेक कर लिया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, पहले से एकदम बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गाड़ी स्टार्ट कर चेक कर ले रहे हैं, तो इतना गाड़ी चाबी ऑन कर लिए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लिए, आवाज़ देख सकते हैं एकदम बेहतर आवाज़ है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।